रियलमी एक्स टू के लॉन्च होने के बाद में जो 20,000 रुपीज़ के अंदर का प्राइस सेगमेंट है ना, उसके बीच में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस कंपटीशन के अंदर सैमसंग की तरफ से उनका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों ही फ़ोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग इन दोनों ही फ़ोनों में से कुछ भी लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर मैं बताऊँ तो अगर आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन डिस्प्ले के लिए अगर लेना है तो इन दोनों में से आप लोग किसी के भी साथ जा सकते हो। दोनों की जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। दोनों के अंदर आपको 6.4 इंचेस का एक FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। और दोनों के डिस्प्ले में खास बात यह है कि दोनों ही डिस्प्ले एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कलर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है दोनों ही फ़ोनों का। लेकिन उसी जगह पर अगर आप लोगों को कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में आए और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक्स के साथ में आए, तो नो डाउट रियलमी X2 यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करता है सैमसंग गैलेक्सी M30s को। क्योंकि रियलमी X2 के अंदर आपको ग्लास बॉडी मिल जाएगी और वहीं पर M30s के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देता है रियलमी X2। और वहीं पर अगर आप लोग को गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर भी रियलमी X2 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल कर चला जाता है। क्योंकि रियलमी X2 एक नए प्रोसेसर के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन के 730G के साथ, और स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज़ का ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। और अगर आप इस प्रोसेसर को एक्जीनोस के 9611 के साथ में कंपेयर करते हो, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर है, तो ये काफ़ी बड़े मार्जिन से उसको बीट करता है। अगर आप लोग ज़्यादा गेमिंग नहीं करते या फिर नॉर्मल यूसेज के लिए अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप लोगों को दोनों फ़ोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक्जीनोस 9611 का जो CPU है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। सिर्फ GPU वाइज जो है ना, वो एक्जीनोस का प्रोसेसर वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर आप लोग एक नॉर्मल यूज़र हो और उसी के साथ में आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी चाहिए, तो यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर M30s को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है। इम्पॉसिबल तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कह सकते हो आप लोग, क्योंकि इसके अंदर आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाएगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। ये काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देती है। अगर आप लोग हैवी यूज़र भी हो थोड़े से, तो ये 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से दे देगा। और अगर आप एक मॉडरेट और नॉर्मल यूज़र हो तो 2 दिन से ज़्यादा का भी आप लोग इससे बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रियलमी X2 के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, और ये भी आप लोगों को 1 दिन का बैटरी बैकअप काफ़ी आराम से दे देगा ये फ़ोन भी। लेकिन अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ बैटरी है तो M30s से बेटर कोई ऑप्शन नहीं। और दोस्तों, इस चीज़ के बाद में अगर इन दोनों फ़ोनों के मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो ये दोनों ही फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 Pie के ऊपर बेस्ड है, और दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो डिफरेंस है ना, वो इनके कस्टम UI के अंदर है। रियलमी आता है अपने टिपिकल कलर OS 6.1 के साथ में, और वहीं पर सैमसंग आता है 1 UI 2.0 के साथ में। मतलब 1 UI के साथ में आता है, लेकिन 2.0 का उसके अंदर भी आपको अपडेट आने वाला है। ये तो आप लोगों के पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कौन सा UI ज़्यादा पसंद है। आप लोग को इन दोनों में से कौन सा UI सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन दोस्तों, रियलमी X2 के पास में काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसके अंदर आपको बॉक्स में 30W की वूक चार्जिंग मिलती है, जो कि आपके फ़ोन को 1 आवर और 10 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगी। और वहीं पर सैमसंग के अंदर आपको 15W की फास्ट चार्जर मिलती है, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लंबी बैटरी चाहिए या फिर फास्ट चार्जर चाहिए। और टाइप सी पोर्ट तो दोनों में ही मिल जाता है। और कैमरे क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों में। रियलमी के अंदर आपको 64MP का क्वाड कैमरा मिलता है, और सैमसंग में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा। इन दोनों में ही आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर से डिटेल देखने को मिलती है, और काफ़ी कमाल का है इनका कैमरा परफॉर्मेंस। लेकिन जो मेन डिफरेंस है ना, वो आता है इन दोनों फ़ोनों के कलर टोन में। रियलमी के फ़ोनों में आप लोगों को बूस्टेड कलर देखने को मिलता है, और वहीं पर सैमसंग M30s के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर्स शो होते हैं। तो दोस्तों, ये भी आप लोगों को डिसाइड करना है कि दोनों में से आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से। और दूसरा कैमरा, दोनों में आप लोगों को 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को एक डेप्थ सेंसर मिलता है तीसरा कैमरा। लेकिन रियलमी X2 के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट में भी रियलमी के अंदर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, वहीं पर सैमसंग में सिर्फ 16MP का। तो दोस्तों, आप लोग कौन से फ़ोन की तरफ जाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ।